क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं आप? बहुत बड़े मसीहा हैं कौन आप मेरे? अनुराग, आप प्लीज चली जाए यहाँ से। नहीं शरा, जवाब दीजिए आप। अब तो तैमूर है ना मेरी हिफाजत के लिए, फिर आपको किसने हक दिया कि आप इतना बड़ा तमाशा खड़ा करें? मानूर, आपका और मेरा कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन लेकिन मैं आपका मुहाफिज था और हमेशा रहूंगा, और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यह हक मैंने तो आपको कभी नहीं दिया। जब मैं आपसे कह चुकी हूं कि मुझे किसी कसम की कोई मदद की जरूरत नहीं है, तो एक बार में समझ जाइए। मानूर, चाहिए यहां से आप। मैं अपनी बात पूरी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं चला जाऊं। आपी, क्या हो गया आपको? किस तरह बात कर रही थी आप उनसे? तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, सगे हैं वो तुम्हारे? हाँ हैं सगे, बल्कि सगों से भी बढ़कर। जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया आपी, वो सगे भी नहीं करते। तो क्या करूँ मैं, बिक जाऊँ उनके आगे? कुछ ना करें, लेकिन इस तरह उनके दिल को तकलीफ तो ना पहुँचाएं। दिल भी वो जिसमें आपके लिए मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? मान तो लिया खामोशी से आपका फैसला। तो क्या किया, एहसान किया उन्होंने, और वो कबूल करें ना करें मुझे क्या? आप वो नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। कौन है आप? मैं नहीं आपको पहचान पा रही। आयशा, नाराज होना है ना, किसी को ठुकराना है, तो आप ही प्लीज खामोश रहें। इस तरह अपने लफ्जों के जहर से किसी को ना मारे, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी आपकी, बहुत ज्यादा। तबरेज, ये क्या कर रही? कहां थे सारी रात? देख नहीं रही आप बारिश का हाल? गाड़ी खराब हो गई थी। मुझे फोन कर देते, किसी को भिजवा देती। जरूरत महसूस नहीं हुई। जानते हो ना, वो सेट आलिया का था। कौन सा सेट? बनो मत। मेरी अलमारी में जो जेवर रखा था, उसमें से एक सेट गायब है। मुझे पता है तुमने लिया। क्या हो गया अम्मी आपको? मैं क्यों जेवर चोरी करूंगा, मेरे किस काम का है? क्योंकि तुमने मुझसे पैसे मांगे थे। तो इसका मतलब है कि मैं जेवर चोरी करूंगा? जाके देखिए अपनी अलमारी में पड़ा हुआ होगा कहीं। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से, जवाब दो। कोई रिश्ता नहीं है मेरा किसी के साथ। सोने जा सकता हूं मैं, सर पे बहुत काम है मेरे। इलेक्शन भी होने वाले हैं और मैं जमाल साहब की पार्टी से खड़ा हो रहा हूं। क्या तबरेज, वाकई? नहीं नहीं नहीं, बस आपके लिए तो मैं चोर हूं ना, आपको बताने का क्या फायदा? अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता जी? अरसा हो गया हमारे साथ नहीं बैठे। सुना लोग बहुत खुश हैं तुम्हारे इंतजाम से। मैं अम्मी को यही बता रही थी। मैंने कहा कि मुराद शाह का बेटा मुसीबत में अपने लोगों को अकेला कैसे छोड़ सकता है। जी लो ना। नहीं बस चाय लूंगा थोड़ी सी, असल में जल्दी है निकलना मुझे। स्कूल भी मुकम्मल हो गया, अस्पताल की तामीर भी शुरू हो गई, तुम्हारी भाग दौड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। असल में कुछ पेपर वर्क करवाना है आज, तो दफ्तर बंद ना हो जाए इसलिए जल्दी निकल रहा हूँ मैं। किस चीज का पेपर वर्क? असल में यहाँ इलाके में बाहर निकलकर मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ सिर्फ झूठे वादों की नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो काम कर सके। इसलिए
इलेक्शन में खड़ा होने का फैसला किया है मैं। अच्छा, बहुत खुशी हुई है सुनकर। सच में? अब ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। थैंक यू, थैंक यू। चलें फिर इसी बहाने कुछ मुंह मीठा कर लेते हैं भाई, दो हलवा। लेकिन बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप भी जी, छोटी अम्मी आप भी मुंह मीठा कीजिए। अच्छा चलो कर लो आराम से। हैप्पी फेस के बारे में बताया था। तो आपका हैप्पी फेस कहाँ है? ये रहा। मैं झूठ नहीं बोलते, बहुत बुरी बात होती है। अल्लाह ताला को बहुत गुनाह देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बैठ जाओ सारे। चलो इंग्लिश की कॉपी निकालो। थैंक यू, ये रखो मैं लेती हूँ। हाँ द मॉर्निंग वॉक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमें अपनानी चाहिए। We love you, miss. We love you, miss. I love you too. चलो बैठो अब सब अपनी जगह पे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है तैमूर साहब, आप इसको प्लीज प्रोसेस में डाल दीजिए। आप दोनों को यहाँ बुलाने का आज एक और मकसद भी था, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि स्कूल का काम तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन हॉस्पिटल का काम अभी शुरू हुआ है। वैसे तो जिन्होंने स्कूल पे काम किया उनमें से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पे काम करने वाली टीम में भी हैं, लेकिन उस टीम में मैं आप लोगों का नाम डालने से पहले आपसे पूछना चाह रहा था, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है। शर्म, आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? हम लोग आपकी टीम का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी हो। क्यों मानूर जी, कोई मदद चाहिए हो तो बता दीजिएगा। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो इसी मकसद के लिए आया था, पीछे कैसे हट सकता हूँ सर। थैंक यू। और हाँ, वो अब्दुल ने इलेक्शन कैंपेन डिजाइन की है, अगर आप वो भी आके देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एनी टाइम सर, श्योर। एंड फाइनली बस ये कहना था कि हो सकता है कि कुछ एक दो मीटिंग्स में अटेंड ना कर पाऊँ, क्योंकि बाकी भी काम करने हैं, तो अगर आप मेरी जगह फिल इन कर देंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। थैंक यू जाज़ सर, थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मानूर, तुम्हें अंकल पिक करने आएंगे या मेरे साथ जाओगी? मैं आपके साथ चलती हूँ। थैंक यू। आलिया, क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? मुझे यहाँ का पराठा बहुत पसंद है। तुम्हारे स्टेटस की जगह थोड़ी है, कहाँ बैठी हुई हो? एक्सक्यूज मी आलिया, तुम क्यों उस तरह कर रही हो? मैं जानता हूँ बहुत अच्छी दोस्ती है तुम्हारी अब्दुल से, और शहराम भाई को बहुत आइडियलाइज करती हो, लेकिन शायद तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे अब्बा तुमसे चाहते ही कहते हुए तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी कैंपेन को कितना डैमेज होगा।
तो वो आपके भाई नहीं है क्या? तुम जानती नहीं हो, मैं मुंह से बोलूं तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अब्बा की पार्टी का कैंडिडेट हूँ और तुम्हारा होने वाला शौहर भी हूँ। I see. तो फिर इस लिहाज से आपको अभी मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी वक्त क्या कह दूँ, क्या कर दूँ? बाबा से कहिएगा कि मुझसे डायरेक्ट बात करें, अपने कैंडिडेट्स के थ्रू कम्युनिकेट करने से कुछ नहीं। अब्दुल जी। श्रीराम भाई आओ आओ बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। आओ। देखो अब्दुल, मैं लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत के हक में नहीं, इसलिए तुमने मुझे किसी के मामले में बोलता हुआ नहीं देखा होगा, और इसलिए मैं बहुत कुछ जानते हुए भी चुप रहता हूं। लेकिन अब बात किसी की जिंदगी की है अब्दुल, और मैं भी उस लड़की की उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी तुम करते हो। मेरे जमाल साहब से जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन आलिया को हमेशा मैंने अपनी बहनों की तरह समझा है। मुझे बताओ कि क्या गुलजेब वही लड़की है जिसके पीछे तबरेज एक अरसे से लगा हुआ है? जी श्रीराम भाई। क्या छोटी अम्मी को ये बात मालूम है? जी। और आलिया को? हम क्या कर रहे हैं अब तो? हम मिलकर एक लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की श्रीराम भाई, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। फैक्ट्री में सबको पता है इस बात, किसी को यकीन है और किसी को शक है, लेकिन सबको पता है। और तप्रेज ये सब करते हुए आलिया के साथ कैसे शादी कर सकता है? श्रीराम भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसका जमीर खुद मर चुका हो, उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? तुम जानते हो ना कि अगर आलिया को ये सब मालूम हो गया तो वो तुम्हें इल्जाम देगी। दोस्त तो तुम उसके। आप खुद बताएं, भाई बन के सोचूं, दोस्त बन के सोचूं, या बेटा बन के सोचूं? इंसान बन के सोचो, तुम इंसान मुराद शाह के बेटे बन के सोचो, सारे जवाब मिल जाएंगे तुम। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बिल्कुल डरना नहीं।